सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज के ब्लॉग बहुत स्पेशल, आज हम आए गुप्ता जी के पास स्पेशल अमृतसरी नान टेस्ट करने। भाई पीछे एक बार शॉप चेक करो जी, लाल पीली कर रखी है बढ़िया तरीके से, कितनी मस्त लग रही है बाहर से। तो अब यहाँ पे बताता हूँ जी क्या क्या चीज मिलती है। आलू नान, बटर नान, अमृतसरी नान, चूर चूर नान और पनीर नान। भाई आज हम करवाने वाले यहाँ की जो स्पेशल है पनीर की सब्जी, और उसके साथ एक और सब्जी लेंगे वो टेस्ट करेंगे। सुने कि यहाँ की एक बार पनीर की सब्जी एक बार टेस्ट कर ली तो भाई मजा सा आ जाएगा। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है, कितने साल हो गए इस शॉप को, इस जगह पे? एक साल हो चुका है। मतलब कैसे छाए पड़े हो पूरे फरीदाबाद में? भाई मैंने सुना कि बड़ा मटर पनीर का बढ़िया सा टेस्ट है, सच है? रोटी का प्राइस वगैरह क्या है थाली का? चार रोटी दो सब्जी। अच्छा, चार रोटी दो सब्जी, कितने रुपए की है? 50 रुपए की है, ठीक है जी। आइए देखो जी, कढ़ाई पनीर गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रखा है। ये क्या है जी? ये दाल मखनी। अच्छा, दाल मखनी है। ये देखो जी भाई, खुशबू बड़ी जोर की आ रही है। अच्छा, मतलब कोई भी दो सब्जी ले सकते हैं, रोज बदलती है यही रहती है? दाल वही रहती है। अच्छा, दाल वही रहती है, बाकी पनीर वगैरह बदलता रहता है, ठीक है जी। और इधर है जी कड़ी पकौड़े, ये देखो जी रायता भी है भाई। अच्छा, रायता भी है भाई जी, रायता भी है जो कि जीरा भुना हुआ डाल के बढ़िया तरीके से बूंदी वगैरह डाल के बना रखा है। ये कितने रुपए का गिलास होता है रायते का? सिर्फ 10 रुपए का है। तो जी अपनी थाली तो लग चुकी है जी, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी लगा दी है, अब लेते हैं जी रोटियां। अच्छा जी, क्रीम भी आएगी ऊपर से। इधर लग रही है जी नान, क्या नाम है भाई? धर्मिंदर। अच्छा जी, धर्मिंदर की तरह ही लगाने स्पीड से बिल्कुल। ये देखो जी भाई, स्पीड चेक करो भाई की। और कौन कौन से नान लगते हैं यहाँ पे? चूर नान, आलू नान, बटर नान, स्टफ नान, ओनियन नान। अच्छा जी, इतने सारे नान है? पराठा। अरे वाह, प्लेन नान, मैं सब तरीके का लगा लेते बड़ी तरीके से। आइए देखो जी, यहाँ से भाई उड़ा उड़ा के देखो वहां तक फेंकता है ऐसे। मैं कितने साल हो गए इनके साथ? हमें हाँ साल भर हो गया। मतलब एक साथ ही स्टार्ट करिए। अच्छा जी, तो जी अपनी रोटियां आ चुकी हैं, करते हैं जी टेस्ट। यहाँ की जो स्पेशल है वो है जी कढ़ाई पनीर, उसी के साथ टेस्ट करेंगे। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बना रखा है, बस हमसे टेस्ट करके मज़ा सा आ गया भाई। बिल्कुल मिर्च नॉर्मल, हर कोई खा सके ऐसा टेस्ट दे रखा है। कढ़ाई पनीर तो बेस्ट लगा। अब करते हैं जी दाल मखनी टेस्ट, इसमें सुना है कि बड़ा ही मक्खन डाला है और वो भी फ्रेश अमूल का। देखो जी आज के दाल मखनी, भाई दाल मखनी भी बहुत बढ़िया है, पर जो मुझे लगी है बढ़िया वो सबसे बढ़िया लगा है ये कढ़ाई पनीर। स्ट्रीट साइड पे कढ़ाई पनीर कोई 50 रुपये की प्लेट में मिलना बहुत बड़ी बात है भाई, और कसम से एक नंबर टेस्ट आया है। अब करते हैं साथ में लस्सी टेस्ट। नहीं भाई बहुत बड़ी खट्टी खट्टी मज़ेदार थी। तो भाई अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये थाली के साथ लस्सी ज़रूर टेस्ट करना, मज़ा आ जाएगा।